मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के राजेंद्र नगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की अपने ससुराल में ही मौत हो गई। महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिस पर महिला ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया और पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। दरअसल इंदौर शहर के राजेंद्र नगर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली अंकिता पति प्रणय जायसवाल की शादी 2.5 वर्ष पूर्व हुई थी। खरगोन जिले के झिरन्या के अनाज व्यापारी की पुत्री ग्रेजुएट थी तथा निजी बैंक में कार्यरत थी। घटना के पूर्व उसकी भाई से बात हुई थी। थोड़ी देर बाद मौत की खबर सामने आई। पुलिस राजेंद्र नगर ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखवा दिया था। इसके बाद जब मृतिका के परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने इस मामले में हत्या का आरोप लगा दिया और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव अपने घर ले जाने की बजाय इंदौर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय लेकर पहुंच गए। यहां उन्होंने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। शादी करी ना बेटी की, इससे पहले कभी कोई विवाद हुआ कुछ नहीं? इसके पहले कभी नहीं हुआ था, एक महीने से विवाद जरूर चल रहा था मियाँ बीवी में। इसकी 2/6/2024 को हत्या हो गई, बता रहे हैं कि गला घोट कर हत्या कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लो, नहीं तो 304B का तो मुकदमा इसमें दर्ज होगा ही। सबको उठा के बंद करिए, सबको उठा के इनके घर में जितने भी आरोपी हैं, PM रिपोर्ट लेंगे और सब कहीं निश्चित नहीं, इसमें डेथ बॉडी लाने की क्या जरूरत है।